दोस्तों नमस्कार, आप सभी का वेलकम है मेरे एक और वीडियो में। ये जो आप फूल वाला पौधा देख रहे हैं, ये रेन लिली है। ये एक ऐसा पौधा है जो बरसात का पानी पाते ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप मेरे रेन लिली के पौधे में देख रहे हैं, कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये दोस्तों ये येलो कलर का है और आप देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए, और देखिए इसमें कितनी ढेर सारी कलियाँ भी बन रही है। ये देखिए दोस्तों, ये बरसात के समय बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियाँ भी बन रही हैं। ये देखिए, इसे मैंने सिर्फ 6 इंच के पॉट में लगाया है और यह बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, रेन लिली बहुत ढेर सारे रंगों में आता है और इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये मेरा पिंक कलर का रेन लिली है और आप देखिए इसमें कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास रेन लिली 3 कलर में है, वाइट, पिंक और येलो। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी पौधे के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने रेन लिली का पौधा लगाया है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको जरूर कुछ जानकारी मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा वाइट कलर का रेन लिली है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही फूल खिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, रेन लिली में अच्छे से फ्लावरिंग हो इसके लिए आपको इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपने रेन लिली की रिपोर्टिंग जो है मई में कर दिया था और आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के 2 महीने बाद इसमें कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। अगर आपने अपने रेन लिली के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों रेन लिली सर्दियों में डॉर्मेंसी पर चला जाता है, इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, सिर्फ बल्ब ही बचते हैं, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। रिपोर्टिंग करने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें फूल अच्छे से आते हैं। जैसा कि आप मेरे रेन लिली के पौधे में देख रहे हैं कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। देखिए बरसात का पहला पानी पाते ही इसमें देखिए कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। ये देखिए, और देखिए इसके फूल देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों रेन लिली को ज़्यादा खाद पाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे आप कितना भी खाद पानी दीजिए इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा जब तक इसको बरसात का पानी नहीं मिले। बरसात का पानी मिलते ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है, इसलिए आप क्या करिए, बरसात के पानी को स्टोर कर लीजिए और जब भी पानी दीजिए तो वही बरसात का पानी दीजिए तो इसमें आप लंबे समय तक फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों रेन लिली को आप ऐसे जगह रखिए जहाँ से 6 से 7 घंटे की धूप मिले, उसमें यह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और अच्छे से ग्रोथ करता है, इसे आप इंडोर बिल्कुल भी मत रखिएगा। दोस्तों रेन लिली को ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो DAP और पोटाश के कुछ दाने महीने में एक बार दीजिए, इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से होगा। ये देखिए मेरे रेन लिली में कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं और उसके फूल देखने में कितने सुंदर हैं। ये देखिए दोस्तों, रेन लिली को आप बीज से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। दोस्तों रेन लिली बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, इसे आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे कुछ बीज यहाँ पे छीट दिए थे और देखिए इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर खाद है, इसे मैंने गोबर खाद दिया था। दोस्तों अगर आप रेन लिली को नर्सरी से खरीद रहे हैं उसमें फूल नहीं खिले हुए हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जान जाएंगे उसमें किस कलर का फूल खिलेगा। दोस्तों जो पिंक कलर का होता है उसकी पत्तियां जो है चौड़ी होती हैं और पतली होती हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं चौड़ी हैं, और देखिए ये वाइट कलर का है, इसकी जो पत्तियाँ देखिए गोल हैं, ये देखिए लंबी हैं और गोल हैं, चपटी नहीं है। ये देखिए देख रहे हैं गोल हैं, ये देखिए इस तरह से गोल है तो समझ जाइएगा उसमें सफ़ेद कलर का फूल खिलेगा। अगर इस तरह से चपटी है देखिए तो समझ जाएगा इसमें पिंक कलर का फूल खिलेगा। और जो येलो कलर का है उसकी पत्तियाँ जो है चपटी होती हैं लेकिन पतली होती हैं, ये देखिए इस तरह से होती हैं, गोल नहीं होती हैं। ये देखिए, तो ये दोस्तों आसान तरीका है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं इसमें किस कलर का फूल खिलेगा। दोस्तों इसके लिए जब आप मिट्टी बनाएगा एकदम पोरस और हल्की बनाएगा जिसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड ना करे, क्योंकि यह एक बल्बर जैसा पौधा होता है। ये देखिए इसके बल्ब्स हैं, इसमें जो है नमी होल्ड रहता है, इसलिए आपको ऐसी मिट्टी बनाना है जिसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड ना करे तो यह बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। दोस्तों रेन लिली बहुत ढेर सारे रंगों में आता है, इसके फूल भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपने इसे अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो एक बार ज़रूर लगाइएगा, यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इसे पिंक कलर का है और देखिए इसके फूल कितने सुंदर हैं, आपका पूरा गार्डन ही बरसात भर पूरा फूलों से भरा रहेगा, तो रेन लिली को आप ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। आपसे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।